एपिसोड 45। आज हमने करना है स्वाम्प केव, जो के आइलैंड के तीन दी आइलैंड मैप के तीन सबसे ज़्यादा मुश्किल केव्स में से नंबर 3 पर है। इसके लिए मैंने टाइम किए 2 सेबर टूथ्स, एक के ऊपर वो वाली सैटेलाइट जो मेरे पास बड़े अरसे से पड़ी हुई थी, मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। ये काफ़ी पुरानी वीडियोज़ में भी है, ट्राइसेराटॉप्स की इन्वेंट्री में ये पड़ी होती थी अक्सर। तो ये वो वाली सैटेलाइट और इसके स्टैट्स वगैरह सही हैं, अच्छी क्वालिटी के। ये था मेरे ख्याल से 275 का सेबल, और दूसरा सेबल टूथ जो है ये था मैक्स 300 का, और इसकी सैडल भी अच्छी है जो कि मुझे आज ही मिली है, एक रेड ड्रॉप से जिसकी ग्रिप रिंग भी थी। तो इस केव में सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है, सबसे पहले तो ये है कि केव के अंदर आपको गैस मिलेगी, एक गैस ऐसी कि जिससे आपको डैमेज होगा। उस डैमेज से बचने के लिए सबसे पहले हमें करना ये पड़ता है कि स्कूबा गियर पहनना पड़ता है, लेकिन केव में गर्मी है तो अगर वाटर नहीं है तो गर्मी की वजह से 2 पार्ट्स, एक बाजू और एक जूते, ये पहनने पड़ जाते हैं गिली सूट के, उससे ये गैस बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन मैं पहनूंगा फुल स्कूबा। और उसके बाद हमें साथ में इस केव में वेपन वगैरह इतने कोई खास नहीं चाहिए, लेकिन इस केव में काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं तो सेबर टूथ सही रहेंगे, लेकिन अगर कोई और चीज़ जाती हो तो कोई और चीज़ ले जाना भी सही है। और जो है टाइम स्टैम्प दोबारा से लगे हुए वीडियो के अंदर, टाइम स्टैम्प से क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के वीडियो के पार्ट्स देखें बजाय इसके कि आप पूरी वीडियो देखें और बोर हो जाएं। तो ये केव है जी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, रेडवुड आइलैंड जो है, रेडवुड फॉरेस्ट, उसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जहाँ पर बरिंग आ रहा है उस जगह पर। तो इस केव पे पहुँचने का, इसको ढूंढने का सबसे अच्छा जो प्लान है वो ये है कि बिल्कुल सबसे पहले आप जाएँ रेड पीक पर, जो कि रेडवुड फॉरेस्ट के दरमियान में एक पहाड़ है। उसके ऊपर जाकर बिल्कुल राइट साइड पर चलते जाना, राइट से मेरा मतलब है मेरी राइट पर, लेकिन मैप की बिल्कुल लेफ़्ट पर, मतलब उस पीक से बिल्कुल लेफ़्ट पर एक छोटा सा तालाब आएगा। यह रेड पीक, और इस रेड पीक से अगर मैं जाऊं दूसरी साइड पर, बिल्कुल मतलब रेडवुड फॉरेस्ट की लेफ़्ट साइड पर, तो वहाँ पर मुझे वो छोटा एक तालाब मिलेगा छोटा सा, और उसके बिल्कुल साथ ही केव है जो कि हम अभी करने लगे हैं। ये है जी वो तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था, और मेरे ख्याल से हम एक लड़ाई देखने लगे हैं। और ये स्पाइनों ने ब्राकियोसोरस को मारना शुरू कर दिया, और ये ब्राकियोसोरस उसे स्टॉम्प कर रहा है। ब्राकियोसोरस ने दोबारा स्टॉम्प किया, ब्राकियोसोरस ने दोबारा स्टॉम्प किया, ब्राकियोसोरस को गुस्सा आ रहा है, ब्राकियोसोरस ने दोबारा स्टॉम्प किया। स्पाइनो नहीं रुक रहा, स्पाइनो नहीं रुक रहा, स्पाइनो को गुस्सा आ रहा है। ब्राकियोसोरस को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो ब्राकियोसोरस बहुत बुरा मारेगा। ब्राकियोसोरस अभी भी स्पाइनो को रोकने की कोशिश कर रहा है, ब्राकियो को गुस्सा आ गया और ये बहुत बुरा होने वाला है, और स्पाइनो गुड बाय। ये स्पाइनो चल कर राख हो गया। ये थोड़ी सी कमेंट्री की प्रैक्टिस कर रहा था, सॉरी। तो ये वो तालाब है जिसके इर्द गिर्द आपने ढूंढना है, केव को ढूंढना नहीं, मैं बता देता हूँ किधर है केव, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तालाब पर आकर आपको ये दरख्त ढूंढने हैं, ये जो छोटे से दरख्त हैं, और थोड़ा सा ये स्वाम्प वाला स्टाइल लग रहा है इन इन दरख्तों का, इन ट्रीज़ का, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जगह जो मेरे नीचे है बिल्कुल, इसका थोड़ा सा स्वाम्प वाला स्टाइल है, और ये जगह है बिल्कुल राइट साइड पर, मतलब मैप के मुताबिक बिल्कुल राइट साइड पर। यहाँ पर सीधा जाना है, दरमियान से रास्ता जा रहा होता है, इर्द गिर्द दो थोड़ी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और एक राइट साइड वाली पहाड़ी के अंदर ये छोटा सा, ये है केव की एंट्रेंस। इस केव की एंट्रेंस के अंदर अब हम जाएंगे, और इस केव की एंट्रेंस से अब हम केव के अंदर जाएंगे, मेरा मतलब है। क्वेट्जल को मैं अपना आर्मर दे देता हूँ, और बाकी अब स्कूबा पहन के जाना है, लेट्स गो। किधर गया भाई जान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है जी केव की एंट्रेंस, लेट्स गो। प्री लोडिंग, आ जाओ भाई जान, आ जाओ। मुझे डैमेज हो रहा है जो कि केव की गैस की वजह से हो रहा है। डैमेज की अमाउंट है 30 HP,
यानी 30 HP कम होता है। अगर मैं स्कूबा पहन लूँगा तो ये डैमेज होना रुक जाएगा। यही करना है और ये केव पूरा करना है। इस केव से आर्टिफैक्ट मिलेगा, आर्टिफैक्ट ऑफ द इम्यून, नहीं आर्टिफैक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, नहीं आर्टिफैक्ट ऑफ द इम्यून, सही आर्टिफैक्ट ऑफ द इम्यून मिलेगा इस केव से। यानी ऐसा आर्टिफैक्ट, यानी उसका आर्टिफैक्ट जिसे कोई, जिसे कुछ होता नहीं था फिर डैमेज वगैरह। ये है अब एक नाइटमेयर, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई भी हो सकती है जो अभी होने वाला है। ये छोटे छोटे कीड़े जो 3, 4, 5, 6 नज़र आ रहे हैं, असल में ये यहाँ पर कोई 100-150 होंगे जो कि अभी अभी आ जाएंगे। और मेरी हालत तो ठीक है क्योंकि मेरे वाले सेवर की सैडल 228% आर्मर वाली, लेकिन जो दूसरा सेवर है बेचारा उसकी सैडल भी थोड़ी थी बंदा से बात 0.8%, और उसको मार पड़ी होगी बिल्कुल सही तरह। ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ऑलमोस्ट 1500 डैमेज, बहुत थोड़ा है मेरे ख्याल से। दूसरे सेवर की हालत कैसी मुझे लगता नहीं है, तो है उसकी हालत काफ़ी कम, काफ़ी ख़राब है। इसको थोड़ा सा अगर हम गोश्त खिला दें तो भी सही है, और अभी के लिए वैसे सही है, अभी चलते हैं थोड़ा सा खिला देते हैं। चलो इससे इनकी हेल्थ बढ़ जाएगी। और अगर हम खामोशी से चलते रहें तो शायद कीड़े हमें कुछ, और यार ये तो है ना नीचे वाले, लेकिन इसको लगती नहीं गोली, गोली नहीं लगती, गोली नहीं लग रही उसे। ओ ऑर्डर खैर है, ऑर्डर खैर है, ऑर्डर ऑर्डर भाई इधर आ जाओ, चल मेरे पास आओ, चलो बेटा चलें। अभी आगे और भी वहाँ आई जैसे पहले आई थी वैसे बिल्कुल, और फिर वो मज़ीद मारेंगे पकड़ के और फिर मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा। लेट्स गो। स्टैमिना ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर स्लो चल रहा है तो स्टैमिना नहीं है। स्टैमिना क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉइजन हुआ हुआ है। पॉइजन किसने किया है, कीड़ों ने, मगा नूरा ने, मगा न्यूरा मेरा मतलब ड्रैगन फ्लाई। ये तो मजाक चल रहा है, मतलब सेबर का इतनी चवल रेंज है सेबर की, सेबर से एक कीड़ा ही मरता। उसको और भी उसके टायर के पास भी है, तंग कर रहा है।
मर जा यार, हद हो गई, मेरी हेल्प तो देखे कोई। ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं अभी मैंने ना स्क्रीन तोड़ दी थी अपनी, शुक्र मर गया ये। मीट तक नहीं मिलता इनसे, कीड़ों से बगैर जीता के। उसकी हेल्थ कितनी ज़्यादा है और बेचारे की हेल्थ कितनी कम है। मीट दे यार, चल भाई। अच्छा ये हैं जी, अब दो रास्ते, लेफ्ट और राइट। राइट पे नहीं जाना, पहले बता रहा हूँ, नहीं जाना, जाना ही नहीं है। राइट पे जाओगे मुफ्त की लड़ाई, इतनी सारी चीज़ें, और मिलता क्या है बाद में, सिर्फ एक ब्लू ड्रॉप, कुछ मिलता ही नहीं। मतलब ब्लू ड्रॉप से क्या निकलता है यार, प्रिमिटिव चीज़ें निकलती हैं, चवल चवल चीज़ें निकलती हैं, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं राइट साइड पर जाने का। जाना है ही नहीं राइट, लेफ्ट जाना, जो मर्जी हो जाए, राइट नहीं जाना। नो 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 आइडिया, तो मतलब नो नो प्लान, नो वे, नो वे, मैं वर्डिंग भूल जाता हूँ हमेशा, नो वे कहना था मैंने। चलिए चलो, ब्लू ड्रॉप तो लेफ्ट साइड पर। ओ कीड़े आ गए, कीड़े आ गए, अब कीड़े मर जाए तो अच्छा है बस, मतलब खून से मरे तो सही कम से कम। मेरा इस कदर दिमाग ख़राब हो रहा है ना, इसकी वजह से मैं बता नहीं सकता। इससे शायद कुछ तो हेल्थ बढ़े, इतने तो कम से कम के थोड़ी थोड़ी लड़ाई कर सकें कम से कम, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। इस चबल ड्रॉप में होगा कुछ भी नहीं, एमए देने का मेरे पास। असेंडेंट स्टोन पिक, इसका मैं क्या करूँगा? असेंडेंट फ्योमिया सेट, उसका मैं क्या करूँगा? फ्योमिया को कौन यूज़ करता है फ्योमिया सिवाय उसकी फोटी लेने के। यहाँ पर अब दो रास्ते हैं, एक बिल्कुल लेफ्ट पे, एक बिल्कुल मिडल में, और एक राइट पर। राइट वाला बेकार, लेफ्ट वाला बेकार, मिडल में जाना है हमेशा, बता रहा हूँ मैं। मिडल दरमियान वाला रास्ता, इधर ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। आर्टिफैक्ट लेना है और रेड लूट क्रेट, दोनों की दोनों चीज़ें मिडिल वाले रास्ते पर ही होती हैं।
सारे के सारे मसले मसाइल हल हो गए। शुक्र, चुप करके यहाँ से चलो, चुप करके इन्हें कुछ नहीं कहना, प्लीज़ इन्हें कुछ नहीं कहना। ओह, मैं इतना अरसा पहले यहाँ पे आया था, तब से अब तक मेरी ये लाश यहाँ से डिकम्पोज ही नहीं हुई, मेरी लाश यहाँ पड़ी नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर चली गई तो मुझे याद है। तो ये है जी आर्टिफैक्ट ऑफ द इम्यून, आर्टिफैक्ट कंटेनर के अंदर। इस तरह से हम ले सकते हैं आर्टिफैक्ट ऑफ द इम्यून। तो अब मैं ये आर्टिफैक्ट ले लूँगा, 3-10 मिनट रुकूँगा, फिर एक और आर्टिफैक्ट लूँगा, फिर 10 मिनट रुकूँगा, फिर एक और आर्टिफैक्ट ले लूँगा। सर उसे मारना, मारेंगे आपके, मरना है, मूड लग नहीं रहा मुझे वैसे मारने का। चलो ये भी है न्यूट्रल, चल भी मार, ये चीज छा गया। ये था जी आर्टिफैक्ट ऑफ द इम्यून लेने के लिए स्वाम्प केव को क्लियर करने का एक तरीका। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।